हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो में जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सब डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। मैं गाना इंक्लूड नहीं कर सकती हूँ, तो बस मैं आपको वॉइस में ही बता सकती हूँ कि हम लोग नेपाली गाने में डांस कर रहे हैं और तीज से रिलेटेड है ये गाना सॉन्ग। और हम लोग अच्छे से डांस कर रहे हैं, देख रहे हैं जैसे कि जैसे जिसको आता है। और हम डिनर पे गए हुए हैं, ये बीच में जो डांस कर रही हूँ मासी हैं, तो उनके यहाँ डिनर पे गए हुए हैं हम। और सब मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बस मेरे पास ज़्यादा बड़ी क्लिप नहीं है इस दिन की, बस छोटी सी है और बस यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, फिर आ गया, हाय कर दो सबको। आरुष, हाय। हाँ, जैसे कि आपको पता है तीज का फेस्टिवल आने वाला है, कल ही है। तो आज जा रहे हैं हम अपनी मेरी मासी के घर पे डिनर पे। तो उसे डिनर नहीं कहा जाता, उसका एक नाम है, दर बोलते हैं उसे, खाने की चीज़ों को जो दूध से बनाई जाती हैं ज़्यादातर आइटम्स, डिशेस सॉरी। तो वो सब बनता है आज के दिन। तो फिर वही जा रहे हैं हम लोग, बच्चे नहीं जा रहे हैं, बच्चों के लिए मैंने घर में ही बना दिया है। तो बस मैं जा रही हूँ, मैं तैयार हो गई हूँ। और जैसे कि ज़्यादातर रेड साड़ी ही चलती है तीज में, तो मैंने रेड साड़ी पहनी है। और मैं उस दिन गई थी, एक और मासी है मेरी, मासी लगती हैं, तो उनके घर भी गई थी। तो फिर उनके यहाँ भी मैं रेड पहन के गई थी। छोटी सी क्लिप है, मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और लेकिन आज जा रही हूँ, तो मैं देखती हूँ ब्लॉग में कितना बना पाती हूँ वहाँ जाके, क्या क्या डिशेस बनी। और यहाँ पे भी मैंने बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए खीर बनाई है, बच्चों ने कुछ खा भी लिया है, तो बस इतनी सी बची है, तो ये बनाई है। और इसमें मैंने सब्जी बना दी है, तो अभी सीटी हो रहा है, बस चावल खुशी खुद चढ़ा लेगी क्योंकि चावल ठंडे हो जाएंगे इसलिए। और बस ये डिनर है रात का हमारा, हमारा नहीं बच्चों और हस्बैंड का। तो बस घर के लिए खाना तो बन चुका है, बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। तो बस मैं तो जा रही हूँ खाने के लिए, तो फिर मेरा वही खाना हो जाएगा। तो बस फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। और यहाँ बच्चों की धूमधाम, खेलो खेलो। ये मासी, ये रूपा, ये पूजा। और फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई हूँ मासी के घर पे, जो कि ज़्यादा दूरी पे नहीं रहती है मेरी मासी, मेरे घर के पास में ही रहती हैं। तो मैं फटाफट से पहुंच गई हूँ और सब लोग बैठे हुए हैं, बात बात कर रहे हैं। कुछ लोग और आने वाले हैं तो उनका वेट हो रहा है, फिर डांस वांस शुरू होगा, डांस वांस करेंगे। तो बस अभी फ़िलहाल बच्चे डांस कर रहे हैं, ये देखिए। और गाइस, ये है मेरी मासी का घर, और मैं आपको दिखाने आई थी किचन में। मौसा जी थोड़ा सा काम कर रहे हैं, आज लेडीज पार्टी ज़्यादा है ना, मासी बिजी है इसलिए। और फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में, जैसे कि आपके साथ खाना शेयर करने के लिए कि आज क्या क्या बना है। तो जैसे कि आपने पहले जो देखा वो राइस थे, और ये है शाही पनीर, और ये है मिक्स वेज। आज के दिन नॉन वेज नहीं बनाया जाता है, आज के दिन वेज बनता है और दूध से रिलेटेड चीज़ें बनती हैं, जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, खीर हो गया, और ये छोले हैं। तो ऐसे सारी दूध की चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। तो खीर गाइस फ्रिज में है, तो मैंने नहीं दिखाया आपको, तो बहुत टेस्टी बनाया था सारा खाना, बहुत यम्मी था। और खीर तो बहुत ही टेस्टी था, और मासी के हाथ की स्पेशल एक दही होती है जो बहुत टेस्टी जमाती है मासी। यहाँ पे गाइस और लोग आ गए हैं थोड़े बहुत, ये फ्रेंड भी आ गई है मेरी, ये तो बस थोड़ा बहुत डांस चल रहा है अब। और इधर भी रेडी हो रहे हैं, फोटो सेशन हो रहा है यहाँ पे। अरे हमें भी मत छोड़ना, हमें भी ले लेना फोटो में। आराम से प्रेशर।
और गाइस ये रहा हमारा डिनर, और इसे हम दर कहते हैं। डिनर तो है बट इसे दर बोला जाता है हमारे यहाँ। सैलेड, राइस, शाही पनीर, छोले, और ये अचार है आलू और खीरे का, और मिक्स वेज जो कि माया दीदी ने शुरू भी कर दिया है डालना। और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, अभी टाइम हो रहा है, देखिए ये देखिए। और फ्रेंड्स जैसे कि बहुत लेट हो गया है तो बस फटाफट अब खाना खा रहे हैं सब लोग। और बीच में आपको दिख रहा होगा ये जो कटोरे में ये घी है, इसको मेल्ट किया गया है, तो ये भी साथ में होगा, सब खाएंगे। हेलो, हैप्पी तीज सबको। आज है मेन तीज, आज 30 तारीख है और आज है मेन तीज जो इतने दिनों से हमारा चल रहा है। तो आज है मेन तीज का दिन, तो ये मैं रेडी हो गई हूँ। ये देखिए, घर को इग्नोर मारिए क्योंकि हम तैयार होते हैं तो सारे घर वर फैल जाते हैं इधर उधर, तो बस ऐसे फैला हुआ है, आके समेटेंगे अब। वैसे तो ये दीदी का घर है, तो बस फिर ही मैं रेडी हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ बता सकते हैं कमेंट करके, मुझे अच्छा लगेगा। बस और लोगों से मैं मिलाती हूँ, और हम एक पार्क में जाने वाले हैं, वहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत शूट करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है, हम लोग कैसे इंजॉय करते हैं। ठीक है, आधी इंजॉय तो घर में ही हो जाता है, इतना रेडी वेडी होके सब, इतनी सारी लेडीज हो जाते हैं हम घर में, तो सबको रेडी करो, आधा इंजॉय तो घर में ही हो जाता है और आधी थकान भी। तो बस जो बची है वो हम जाएंगे पार्क में, फिर वहाँ पे फोटोशूट होगा और फिर थोड़ा नाच गाना होगा, तो मैं आपसे शेयर करूँगी बाद में। ये देखो यहाँ पे भी तैयार हो रहे हैं, कब तक तैयार हो जाओगे भाई, जल्दी तैयार हो जाओ, लेट हो गया है। आएगा तो नहीं, हाँ नहीं आएगा। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जहां हमें पहुंचना था, पार्क में, और थोड़ा सा और अंदर जाके है, काफ़ी सारी पब्लिक है अंदर, अभी जाएंगे वहां पे। पहले यहां पे बहुत अच्छा जगह है तो फिर इसलिए थोड़ा फोटो शूट कर रहे हैं यहां पे। लाली लाल
और गाइस हम घर आ गए हैं और अब बस चेंज वेंज करेंगे। बहुत थक गए हैं दिन भर, पहले इतनी देर लगा के रेडी हुए, उसके बाद फिर पार्क में गए हम लोग और थोड़ा बहुत डांस किया, थोड़ा बहुत गाना वाना गाया। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कितनी सारी पब्लिक आ रखी थी वहाँ पे, तो बस वो सब करके निपटा के अब जाके घर पहुँचे हैं हम। तो बस बच्चे भी थक गए हैं, इधर बैठे हुए हैं, सब फैला पड़ा है, घर समेटना है। अब तीज गया आज, तो बस अब आराम से समेटूंगी मैं, बस अब रिलैक्स होते हैं थोड़ा सा। बस इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट भी करें और शेयर करें, और उन्हें भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।